पटवारियों ने कलम छोड़ हड़ताल की गल कही तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान कहते कि तुम कलमा छोड़ो साढ़े को बड़े नौजवान ने असी नवें हथ कलम दे देंगे। पर भगवंत सिंह मान वालों पटवार महकमे के माल महकमे पटवारी वड्डे पद्धर के उत्ते रिटायर भर्ती किए हुए जिन्होंने 35-35 हज़ार तनखा मिलती है। तो हुण होर दस दिओ कि नवे जिहड़े है नौजवानों के हाथ कोई कलम देनी जां उन्हां नूं नौकरी देने की गल तां छड्डो। भगवंत सिंह मान की सरकार वालों पंजाब राज पावर कारपोरेशन लिमिटेड वालों गुरु गोबिंद सिंह सुपर थर्मल प्लांट रूपनगर रोपड़ के जिहड़े है ओह भर्ती करनी है। तो उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट तो बाद दोबारा ठेके आधार पर लगन संबंधी रिटायर हुए व्यक्तियों को दोबारा भर्ती किया जा रहा भगवंत सिंह मान जी की सरकार वालों थर्मल प्लांट के लिखा कि उपरोक्त विषय के संबंध में आप जी को सूचित किया जाता है कि आप दे हल्के अधीन तैनात कर्मचारी जो कि मार्च 2024 तक रिटायर होने वाले हैं उन कर्मचारियों जेकर कोई रिटायरमेंट तो दोबारा ठेके के आधार पर काम करने का इच्छुक है तो उन्हें रखा जाएगा। मान साहब ये कहते हैं कि असी नवें हथ कलम फड़ाउणियां नवें हथ कलम कदों आउणगियां तुसी पुराने बंदे जिहड़े पहला सरकारी तनखाहां का नज़ारा लै चुके है सरकारी भत्तियां का नज़ारा लै चुके है हुण इस तों बाद पेंशन का नज़ारा लैणगे उन्हां नूं तुसी कलम दे रहे हो। जिहड़े नौजवान पढ़ लिख के अज सड़कां दे उपर धक्के खा रहे है कदे किसे पोस्ट वाली दुकान ते पोस्टां भरन जांदे आ कदे किते जांदे आ कदे किते जांदे आ कि सानूं कोई नौकरी मिल जावे। मान साहब ये भर्ती उन्हां लई नहीं खोली जा सकती सी। सरकार नूं सवाल है कि भर्तियां कढ़नियां तां नवें नौजवान वास्ते कढ़ो। सिर्फ सोशल मीडिया दे उत्ते मान साहब ये लिख के नहीं चलना कि नवें हथ कलम तुहानूं उहदे लई नोटिफिकेशन भी करना पैणा है उहदे लई तुहानूं भर्ती कढ़नी भी पैणी है। तुसीं रिटायर होए मुलाजमान नूं दुबारा रख रहे हो जिहड़े नवें नौजवान है जिन्हां दा दिमाग भी तेज़ है जिन्हां नूं अज दे समें दा भी ज्ञान है जिन्हां नूं सब पता है उन्हां नूं क्यों नहीं रख रहे। आ पुराने जिहड़े तुसीं रख रहे होंगे इन्हां दी पढ़ाई तो चौगुनी पढ़ाई वाले नौजवान अज सड़कां दे उत्ते तुहाडे तों डंडे खा रहे है उन्हां नूं रुजगार देण दी बजाए तुसीं पुराणियां नूं दुबारा मौका दे रहे हो। पहलां तां मलाई खा गए उस सारी जिहड़ी 30-40 साल उन्होंने मलाई खाधी नौकरी चों फिर उन्होंने पेंशन भी खानी है फिर उन्होंने रिटायरमेंट पर भी लखां रुपया मिल जाना है। तो जिहड़े नवें नौजवान जिन्हां नूं तुसीं कहिंदे कि विदेश ना जाओ तो विदेश क्यों ना जाणगे। तुसीं जद मौका ही पुराणियां नूं दे रहे हो जद मौका ही तुसीं उन्हां नूं दे रहे हो जिहड़े पहलां रिटायर हो चुके हैं तो नवियां लई मौका कदों आवेगा। मां साहब जरूर सोचो कि तुसीं जो वादे करके आए सी जो कह के ऐसे हुए तो रहो आ रिटायर होयां नूं ना रखो रिटायर होयां नूं घरे तोरो क्योंकि सरकार ये गलत ही तुसी रिटायरमेंट की एज इसलिए बनाई है कि 60 साल तो बाद बंदे का दिमाग उस तरीके का नहीं रहिंदा जिहड़ा कि 25-26-27-28 साल के नौजवान का। तो जब तुहानूं फ्रैश दिमाग मिल रहा है ताज़ा दिमाग मिल रहा है चंगा नौजवान पढ़िया लिखिया मिल रहा है फिर क्यों तुसी पुराणियां नूं दोबारा मौका दे रहे हो। पहला 50-50, 60-60, 70-70 लाख रुपया तनखाहां पहला होणगियां इन्हां दीआं 30-35 हज़ार तुसीं हुण दे दोगे उस तो अगे चले जाओ पेंशन 30-35 हज़ार उन्हें पेंशन आ जाएगी वो नाल दा कौन है। तो जिहड़े फिर नवे है वो विदेशों वल भज्जणगे जां टैंकियां ते चढ़नगे जां तुहाडे तों छित्तर खाणगे। सो मान साहब यही अपील है कि ए रिटायरां नूं छड्डो नवें नौजवानों नूं मौका दिओ।